राधा कुंड में विप्र समाज के लोगों के द्वारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। मथुरा के गोवर्धन के राधा कुंड में भगवान परशुराम की गाजे बाजे के साथ शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ रामलीला मैदान मिश्रान मोहल्ला से हुआ। यहाँ समाज सेवी दिनेश कुमार मिश्रा सुंदर मिश्रा ने भगवान गणेश और भगवान परशुराम की आरती उतारी। भगवान परशुराम की आराधना के साथ हुई शोभा यात्रा में एक दर्जन से अधिक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ब्राह्मण समाज के लोग बैंड की धुन पर थिरकते चल रहे थे। जय परशुराम जय श्री राम के नारे वातावरण में गूंज रहा था। सबसे आगे भगवान गणेश की झांकी चल रही थी। उनके पीछे घोड़े पर सवार ब्राह्मण समाज के बालक आकर्षक पोशाक में चल रहे थे। लोगों ने घरों की छतों से पुष्प वर्षा की। जगह जगह लोगों ने भगवान परशुराम की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। लोगों ने घरों की छत से पुष्प वर्षा की। रामलीला मैदान पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। यह अमित कुमार गौर डॉक्टर विष्णु रावत समाज सेवी दिनेश मिश्रा आदि ने ब्राह्मण समाज में एकता का परिचय दिया और भगवान परशुराम को अपना आदर्श मानने की अपील की। डीडी शर्मा मथुरा समाचार 24। कई सालों से ये शोभा यात्रा हमारे यहाँ निकालते हैं जिसमें की पूरा गांव समझ के इकट्ठा होते हैं। हमारे सभी लोग देखते हैं जो निकालते हैं लोगों ने जान किया भगवान परशुराम की जाती निकाली कई राधा देवी माँ की या भजन जाति निकाली। आस पास के हमारे सभी गांव के सभी पंद्रह से भी जाती निकाली।